पता है आप लोग एंड्रॉइड टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो पर बहुत ज्यादा भर भर के प्यार बरसा रहे हो। मैं तो भीग ही गया हूँ, इतनी बारिश हो रही प्यार की। और थोड़ा सा और बरसा दो क्योंकि गर्मी बहुत हो रही, भीगना जरूरी है। तो कमेंट और लाइक ठोक दो। और हाँ, शुरू के आधे घंटे के अंदर अंदर जितने लोग भी कमेंट करेंगे ना, सबका रिप्लाई करूंगा पिछली वीडियो की तरह। शुरू हो जाओ कमेंट में जाके। मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल EF। तो आज की इस वीडियो में भी लेके आया हूँ आपके लिए 5 तगड़ी एंड कमाल की यूजफुल एंड्रॉइड टिप्स एंड ट्रिक्स। व्हाट्सएप यूजर के लिए भी ये, टेंशन ना लो यार। पहली जो ट्रिक है ना, वो गूगल मैप पर यूज कर सकते हैं। गूगल मैप पर आप कुछ भी सर्च कर दे, कोई डेस्टिनेशन, कोई लोकेशन, या आप जा रहे हैं, कोई डायरेक्शन आपने डाली है और आप चाहते हैं कि यार किसी को पता ना चल जाए हमने कौन कौन से होटल या रेस्टोरेंट सर्च करे थे और डायरेक्शन भी हमने देखी थी, तो ये सर्च हिस्ट्री में और डेटाबेस में रहता है। आपके गूगल अकाउंट में जाके या यहीं पर हिस्ट्री में जाके कोई भी देख सकता है भैया कहाँ कहाँ गए थे आप, क्या क्या सर्च करा था। पकड़े जाओगे, कभी कभी कुटाई पिटाई भी हो सकती है। बट इससे बचने के लिए कि आपको पता है, गूगल मैप को इनकोग्निटो मोड में भी आप इनेबल करके सर्च कर सकते, डायरेक्शन पता कर सकते हो और डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए पूरा मैप ओपन करके चल सकते हो। सिंपली आपको गूगल मैप को ओपन करना है और अपनी प्रोफाइल वाला जो आइकन है उस पर क्लिक करना। यहाँ पर आपको मिलेगा टर्न ऑन इनकोग्निटो मोड, इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आप जो भी चीजें यहाँ पर सर्च करेंगे, कोई सी भी डेस्टिनेशन, लोकेशन, डायरेक्शन, वो सब प्राइवेट होगा, वो सर्च हिस्ट्री में रिकॉर्ड आपका नहीं जाएगा, यानी कि सर्च हिस्ट्री में ऐसा कुछ भी शो नहीं करेगा। एक इनकोग्निटो मोड यार, प्राइवेट स्पेस मिल जाता है, तो ट्राई करना कई जगह पर छुपाना चाहते हो तो ये सब चीजें। नेक्स्ट वाली जो ट्रिक है ना, मैं इसको ट्रिक नहीं टिप कहूंगा। कई बार क्या होता है, आप कई सारे ऐप यूज करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और अपने गूगल अकाउंट ईमेल आईडी से लॉगिन करते हैं, अपने ईमेल का उसको एक्सेस दे देते हैं। कई सारी ऐसी वेबसाइट भी होती, बट उसके कुछ दिन के बाद आप वो ऐप हटा देते हो, अनइंस्टॉल कर देते हो, बट आपको पता है वो ऐप उसके बाद भी आपके ईमेल का डेटा लेता रहता है, क्योंकि उसके पास आपके ईमेल का एक्सेस तब भी होता है और आपको ईमेल भी भेजते रहते हैं ससुरे। कई ऐसी वेबसाइट भी होती है जहां पर आप ईमेल से लॉगिन करते हैं और फिर जमानों से आपने उस वेबसाइट को यूज नहीं करा है, उस वेबसाइट के पास आपके ईमेल का एक्सेस हमेशा रहेगा जब तक आप खुद से नहीं हटाएंगे, तो आपका डेटा भी उनके पास रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने फोन की सेटिंग में जाना है, उसके बाद जाना है गूगल में, उसके बाद आपको जाना है सेटिंग फॉर गूगल एप्स, ऊपर ही आपको दिखेगा कनेक्टेड एप्स, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको वो सभी एप्स और वेबसाइट दिख जाएंगी जहाँ पर आपने अपना ईमेल अकाउंट लॉगिन करके रखा हुआ है, तो फटाक से इस पर क्लिक करिए। जो आप यूज ही नहीं करते, जमानों पहले यूज किया होगा, शायद आपको पता भी ना हो, उस पर क्लिक करिए और डिसकनेक्ट या रिमूव लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक करके डिसकनेक्ट यानी कि रिमूव कर दीजिए अपने ईमेल को उस प्लेटफॉर्म से जब आप यूज नहीं करते। वैसे काफी ज्यादा यूजफुल है आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए, ये जरूरी भी है करना। जी हाँ, काफी लोग व्हाट्सएप पर गूगल से फोटो डाउनलोड कर करके भेजते हैं अपने फ्रेंड और फ्रेंडनियों को इम्प्रेस करने के लिए, या फिर मुझे क्या पता क्या क्या डाउनलोड करके भेजते रहते हो व्हाट्सएप पर। बट बात यह है, मुद्दा ये है कि अब आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है यार, काहे ससुरे अपने फ़ोन में स्टोरेज फुल कर रहे हो। तो बिना डाउनलोड करे भी आप गूगल से किसी भी फोटो को भेज सकते हो फ्रेंड या फ्रेंडनियों को। इसके लिए सिंपली गूगल पर जाना और जो भी आप सर्च करते हैं, जो भी भेजना चाहते हैं, उस फोटो पर पहुंच जाइए और उस फोटो पर टैप एंड होल्ड करिए और कॉपी इमेज का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करिए। अब आप जाइए व्हाट्सएप में, कीबोर्ड ओपन होते ही यहां पर आपको दिखेगा इमेज का ऑप्शन और पेस्ट कर दीजिए, यानी कि पेस्ट, कॉपी इमेज को पेस्ट यहां कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर सीधा वो इमेज पहुँच जाएगी उसी क्वालिटी में, क्वालिटी भी ख़राब नहीं होगी और आपके फ़ोन के स्टोरेज में भी जाकर ये अपनी जगह ससुरा धर के नहीं बैठेगा, ठीक है। काफ़ी यूजफुल है, आपको डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी, फ़ोन का स्टोरेज भी नहीं बचेगा, आई मीन नहीं गिरेगा। वैसे मुझे कई बार क्या लगता है कि मैं ना बहुत बड़ा भुलक्कड़ हूँ, बट नहीं, मुझसे ज़्यादा ना आप भुलक्कड़ हो। लाइक करना भूल गए ना, है ना, भूल गए, चलो अब याद दिलाया, कर दो लाइक। और हाँ, सब्सक्राइब करना भी भूल गए होंगे, काफ़ी लोग हैं ना जो जानबूझ के ही नहीं करते, कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा देना, ऑल पर क्लिक कर देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लास्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिला है, मुझे मालूम है, यहाँ पर है लिंक, देखो आई बटन पर क्लिक करके, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट, ये ना एक टिप या ट्रिक नहीं, पता नहीं क्या है, पर
पर जो भी ये मुझे सही लगी तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये एक वेबसाइट है thispersondoesnotexist.com, या गूगल पर इतना ही सर्च कर लेना thispersondoesnotexist, सबसे ऊपर आपको ये वाली वेबसाइट मिलेगी, इस पर आपको क्लिक करना। अब यहाँ पर जो आप फोटो देख रहे हो ना, कितनी प्यारी सी लड़की है ना, दिल आ गया होगा आपको, आप सोचेंगे इसको सर्च करूँगा कौन है कौन नहीं, भाई ये है ही नहीं। इस शक्ल वाली लड़की, आई मीन इस फेस वाली लड़की दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है ही नहीं। अब यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे ना, आपको जितने भी बंदे बंदी बच्चे बच्ची जो भी दिखेंगी ना, वो एक AI जनरेटेड पिक्चर है, यानी कि फेक कंप्यूटराइज है, रियल नहीं है। ऐसा दिखने वाला कोई इंसान दुनिया में है ही नहीं। जी हाँ, ये खास बात है इस ऐप की, इस वेबसाइट की। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ भी, जनरेट रैंडम ह्यूमन फेस इन वन क्लिक, डाउनलोड इट, AI जनरेटेड फेक पर्सन फोटोज, मैन वोमेन और चाइल्ड। कमाल है नहीं, लग ही नहीं रहा है कि मतलब क्या ही बोलूं। अब इसका फायदा एक ये भी है कि फोटोज को हम कहीं पे यूज कर सकते हैं, अपने फोटोज वीडियो में तो क्लेम नहीं कर सकता ये, क्योंकि ये तो इंसान है ही नहीं ना। हाँ, ये वेबसाइट वाले क्लेम कर दे वो अलग बात है, बट है कमाल की चीज़, ट्राई ज़रूर करना है इसको। काफ़ी लोग मुझसे कई बार पूछ चुके हैं कि भाई यूट्यूब ऐप में जो वीडियो देखते हैं उसको PIP मोड में हम कैसे देखें, पिक्चर इन पिक्चर मोड में MX प्लेयर जैसे और भी काफ़ी सारे ऐप हैं वो तो हो जाते हैं PIP में, कुछ और भी काम करते रहेंगे और वीडियो भी देखते रहेंगे, बट ससुरा यूट्यूब नहीं होता, क्योंकि प्रीमियम यूजर्स के लिए PIP मोड देता है यूट्यूब। बट भाई है ना, जुगाड़ है, इसके लिए आप कोई सा भी VPN यूज़ कर लेना। अब मैं ये नहीं बता रहा कौन सा VPN, वैसे आजकल कोई सा भी VPN यूज़ कर लो, आप प्राइवेट नहीं रहोगे, नया कानून बन गया, पता है ना आपको। वैसे आप चाहते तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा कि क्या नया कानून बना है, VPN लगा कर भी आप यूज़ करोगे ना तब भी ससुरे पकड़े जाओगे तुम। हाँ, खैर, कोई सा भी VPN यूज़ कर लेना, उसके बाद आप यूट्यूब पर कोई सी भी वीडियो प्ले करना और डायरेक्ट होम बटन को प्रेस कर देना, पटाक से वो PIP मोड में वीडियो चलने लगेगी, आप यूट्यूब की वीडियोस भी देखते रहिए और जो भी आपको चैटिंग वेटिंग करनी है अपने फ्रेंड न्यू के साथ तो कर सकते हो, और अपने चाहता फेवरेट यूट्यूबर जैसे EF एवरीथिंग फॉर ऑल चैनल देख उसकी वीडियो देख सकते हो। वो तो मैं ही हूँ फिलहाल, इतना नहीं हूँ मैं आपका चाहता, लाइक और कमेंट से पता चल जाता है, दिल पे मत लेना। उम्मीद है आपको ये सभी top 5 एंड्रॉयड टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होंगी, आई है ना तो लाइक करो, कमेंट करके भी बताना, सब्सक्राइब भी कर दो, जब इतना कर दिया तो हाथ थोड़ी दुख जाएगा। खैर, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए, पड़ोसी और पड़ोसन का भी ध्यान रखो यार, गर्मी बहुत है, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टेक केयर।